हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल मशीन पैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इंजन ऑयल के बारे में। इंजन ऑयल हम किस समय पर चेंज करना चाहिए और क्यों चेंज करना चाहिए उसका क्या रीज़न है। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। दोस्तों अक्सर लोग हम सब बाइक चलाते हैं, हमारे पास बाइक होती है, हम बाइक की सर्विस भी कराते हैं और उसका इंजन ऑयल भी चेंज कराते हैं। तो इंजन ऑयल कब चेंज कराना चाहिए? इंजन ऑयल गाड़ी गर्म हो तब चेंज कराना चाहिए या गाड़ी ठंडी हो तब चेंज कराना चाहिए? तो दोस्तों इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ मैं आपको। दोस्तों ऐसा है, जब हम अपनी गाड़ी हम राइड करके आते हैं, चलाते हैं, वार्म अप होती है, जब हमारी गाड़ी गर्म होती है तो हमारा इंजन ऑयल भी गर्म होता है और इंजन भी गर्म होता है। इंजन ऑयल गर्म होने के साथ साथ ही हमारा इंजन ऑयल गर्म होने पर हल्का सा लिक्विड हो जाता है, पतला हो जाता है। और वही इंजन ऑयल अगर हमारी गाड़ी ठंडी है, खड़ी है, उसके मुकाबले गर्म गाड़ी का इंजन ऑयल पतला होता है और जो गाड़ी खड़ी हुई है, ठंडी है, उसका ऑयल मोटा होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी हम अपना इंजन ऑयल चेंज कराएं तो हमें अपनी बाइक को कम से कम 5 मिनट तक वार्म अप कर लेना चाहिए। या फिर हम कहीं राइड करके आएं या कहीं से भी आए हों, हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत गर्म हो, तब हमें उसको इंजन ऑयल को चेंज कराना चाहिए, उसको बदलना चाहिए। दोस्तों इसके फ़ायदे क्या हैं, अब मैं इसके फ़ायदे आपको बताता हूँ। दोस्तों जब हमारी गाड़ी गर्म होती है, चल के आती है, जब हम स्टार्ट कर लेते हैं उसको, तो इंजन के अंदर जब हमारा इंजन चलता है तो उसके अंदर जितने भी एल्युमिनियम के पार्ट्स भी होते हैं, क्लच प्लेटें भी होती हैं, लोहे के पार्ट्स भी होते हैं, गियर होते हैं, वो आपस में जब चलते हैं, घूमते हैं, टकराते हैं, तो उनके छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जो डस्ट होती है, वो इंजन ऑयल के साथ ही साथ पूरे इंजन में घूमती रहती है। तो दोस्तों अगर हम गर्म गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज कराते हैं, हमारी गाड़ी वार्म अप है और गर्म है, तो जितने भी वो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इंजन के अंदर, जो रस्ट है, जो घिसा है इंजन हमारा उस मोबियल में मिक्स है, तो गर्म गाड़ी होगी अगर वार्म अप होगी तो उसके साथ ही साथ वो बहुत ही तेज़ी से नीचे से इंजन ऑयल के साथ ही उस ऑयल में मिलकर निकल जाते हैं दोस्तों। और उसके साथ ही इंजन ऑयल निकालने की स्पीड भी जो फ्लो होता है वो काफ़ी तेज़ होता है। अब इसी के मुकाबले अगर हमारी गाड़ी ठंडी है, खड़ी है गाड़ी, और हमने उसका ऑयल चेंज करा अपने घर पर या कहीं भी लोकल गैराज में, तो उससे क्या होता है, जो हमारी गाड़ी का स्टोरेज, इंजन में स्टोरेज होता है, जहाँ इंजन ऑयल रुका रहता है गाड़ी रुकने के बाद, तो वहाँ पर वो जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं इंजन में जो घिसे हुए हैं ना, वो अपनी साइड से चिपक जाते हैं, इंजन के साइड में रह जाते हैं, क्योंकि मोबियल उस टाइम बहुत मोटा हो जाता है गर्म के हिसाब से। जब गाड़ी हमारी ठंडी होती है तो मोबियल गाढ़ा होता है और वो पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से निकल नहीं पाता है इंजन से, उसमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रह जाता है और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं एल्युमिनियम के जो घिस जाते हैं, वो साइडों से चिपके रह जाते हैं और उसकी चिकनावट भी ठंडे होने पर ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं रिकमेंडेड करूँगा दोस्तों आपको, जब भी आप अपनी गाड़ी का मोबियल चेंज कराएं तो इस बात का ध्यान रखें, गाड़ी को वार्म अप ज़रूर कर लें, इसके ये फ़ायदे हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, जब हमारी गाड़ी हम इंजन ऑयल चेंज कराते हैं तो अक्सर हीरो कंपनी की बाइक में या बजाज कंपनी की बाइक में, हर बाइक में इंजन ऑयल की एक फ़िल्टर जाली लगी होती है वोल्ट के नीचे। डिस्कवर बजाज में हमारे अक्सर मोबियल वोल्ट होता है, उसके नीचे लगा पंप होता है, एक जाली होती है जो हमारे इंजन में जो छोटे छोटे पार्टिकल डस्ट होते हैं उसको रोकने के लिए, ताकि हमारे पंप पर ना जाए और हमारा पंप जाम ना हो, उससे ऑयल जो है हमारे इंजन में पूरी तरीके से, प्रॉपर तरीके से पंप फेंकता रहे पिस्टन पर, ताकि पिस्टन सील ना हो। और जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं अगर वो जाली को बंद कर देते हैं, जाली पर चिपक जाते हैं, तो हमारा पंप ऑयल फेंकना काम बंद कर देता है, ऊपर ऑयल नहीं जा पाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारी गाड़ी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, सीज भी हो सकती है इस तरीके से, अगर हमारा पंप काम करना बंद कर दिया। तो दोस्तों मैं ये रिकमेंडेड कर रहा हूँ, फिर से एक बार कह रहा हूँ कि आप जब भी अपनी गाड़ी की सर्विस कराएँ या ऑयल चेंज कराएँ तो गाड़ी को थोड़ा बहुत वार्म अप ज़रूर कर लें,
इतना वार्म अप कर लें कि गाड़ी हमारी प्रॉपर तरीके से इंजन ऑयल जो उसका है पूरे इंजन में घूम जाए और गाड़ी गर्म हो जाए और वो पतला हो जाए थोड़ा, ताकि पूरी प्रॉपर तरीके से उसके अंदर जो भी डस्ट है, जो भी चीज़ है छोटी मोटी जो इंजन ऑयल के साथ मिलकर चल रही है, वो सारी बाहर आ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है, आगे आपके लिए वीडियो अच्छी अच्छी लेकर आता रहूँगा। हमारी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको जिस जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ पूछना हो, मुझे कमेंट करके बताएं और मैं उसके ऊपर आपको उसका जवाब दूंगा और वीडियो भी बनाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।